परिहा, मुहम्मदपुर, आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों ने गांव के ही रहने वाले व्यक्ति को बुरी तरह मारा पीटा। वहीं पीड़ित सह ने बताया कि वह गत दिवस 15 सितंबर को अपने खेत में गया था। वहीं जहां पहले से मछली मार रहे दानिश और सब्बू उसके आम के पौधे के नीचे से मिट्टी उठाकर मछली मारने हेतु मिट्टी उठा रहा था। अजमल उन्हें मना किया तो दानिश गली गलौज देने लगा। तभी दानिश का भाई अजमल, पप्पू व सलीम आए और सब मिलकर सहजाद को मारने पीटने लगे, जिसकी शिकायत उसने थाने पर की तो 16 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया, पर अब तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे दबंग आरोपियों का मनोबल बढ़ रहा है और आए दिन आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही पीड़ित सहजाद ने कहा कि अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो सारी जिम्मेदारी स्थानीय थाना पुलिस की होगी। आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24 ब्यूरो फरीहा, आजमगढ़। शिवलाल यादव की रिपोर्ट। ग्राम दौरी। क्या हुआ आपके साथ? मैं गया था अपना धान देखने, इधर से देखकर आ रहा था तो देखा तो मोहम्मद दानिश कहाँ से आ रहे थे? धान खेत से? धान के खेत से आ रहा था तो देखा तो मोहम्मद दानिश उर्फ सब्बू, मोहम्मद साली और अजमल उर्फ पप्पू, ये तीनों लोग वहाँ पे मछली मार रहे थे। मैंने इन लोगों को मना किया है, लोग मिट्टी वहाँ से निकाल रहे थे पेड़ के नीचे से, मैंने मना किया तो मुझे गाली गुलूज देते हुए, कौन गाली गुलूज दिया? मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सालिम और अजमल उर्फ पप्पू, ये लोग गाली गुलूज दिए और फिर लाठी डंडा हाथी से मारना चाहिए। आपको गाली भी दिए और मारने भी? मारने भी लगे और फिर उसके बाद छोड़ करके फिर और लोग आ गए गांव के दो एक लोग। उसके बाद फिर जो है इन्होंने फिर मारना चालू कर दिया, दोबारा मारना चालू किया। उसके बाद बोला कि जाओ रे जाओ कट्टा लेके आओ। कौन कहा कट्टा लेके आने? ये सब्बू उर्फ मोहम्मद दानिश। अच्छा, अपने भाई से? अपने भाई से बोला जाओ रे जाओ कट्टा लेके आओ। हाँ, तो फिर मैं वहाँ से इन लोग जब मार कर हट गए तब मैं कट्टा लेके आया कि नहीं कट्टा लेके आया, बोले सिर्फ। अच्छा, बोले। हाँ, बोले सिर्फ। उसके बाद मैं जो है वहाँ से फिर जब ये लोग मार के हट गए तो मैं वहाँ से चला आया घर पे। प्रशासन नहीं आई वहाँ पे? नहीं, प्रशासन।